आज हम टेंथ का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड इवेल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेरिडिटी और इवेल्यूशन का कुछ बेसिक देखेंगे, डेफिनेशन और उसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेरिडिटी की डेफिनेशन। ठीक है, हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेट्स और कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। इसका मतलब यह है कि जब पेरेंट्स या माता पिता के कुछ कैरेक्टर या ट्रेट्स, ठीक है, ट्रेट्स मतलब क्या होते हैं, कैरेक्टर, जब पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर बच्चों या ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। जैसे किसी के पेरेंट्स का कलर फेयर होता है तो उसके जो ऑफ स्प्रिंग होती है या जो उसके संतान होती है उसका कलर भी क्या होगा, फेयर होगा। इसको समझते हैं हेरिडिटी को, ये हमारे क्या है, मेल है और ये हमारा क्या है, फीमेल। जब मेल और फीमेल दोनों में कॉम्बिनेशन होता है तो वो क्या, वहां पर क्या बनता है हमारा, एक ऑफ स्प्रिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, संतान। तो पेरेंट्स के कैरेक्टर भी क्या होंगे, इस ऑफ स्प्रिंग या संतान में आएंगे। जैसे कि हम इसको सेकंड तरीके से समझ सकते हैं कि ये हमारी क्या है, P1 जनरेशन, मतलब पेरेंट्स की जनरेशन है। पेरेंट्स की जनरेशन से हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी ऑफ स्प्रिंग की, वो हमारी क्या है, F1 जनरेशन। यदि पेरेंट्स के हेयर का जो कलर है वो ब्राउन है तो उसकी जो ऑफ स्प्रिंग होगी तो उसके, उनका कलर भी क्या हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। यदि किसी के पेरेंट्स का कलर, स्किन का जो कलर है वो क्या है, फेयर है, तो उनकी जो ऑफ स्प्रिंग है उनकी स्किन का कलर भी क्या होगा, फेयर होगा। ठीक है, तो जब पेरेंट्स के कैरेक्टर किसमें आते हैं, ऑफ स्प्रिंग में आते हैं, तो वही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, हेरिडिटी। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी इज ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस। जो हमारी हेरिडिटी की जो प्रोसेस होती है उसको आप इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी दोनों क्या होती है, सेम होती है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे ट्रेट्स होते हैं या कैरेक्टर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारे जो ट्रेट्स बोल सकते हैं या फिर आप उसको कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, तो जो ट्रेट्स हमको, मतलब जो ऑफ स्प्रिंग में जो ट्रेट्स आते हैं, कैरेक्टर आते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। सबसे पहले होता है इनहेरिटेटेड ट्रेट्स और सेकेंड होता है एक्वायर्ड ट्रेट्स या कैरेक्टर। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं कि जब जो कैरेक्टर या जो ट्रेट्स पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, I2 मतलब इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, ट्रेट्स दैट आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। मतलब जब पेरेंट्स से जो कैरेक्टर किसमें आते हैं, ऑफ स्प्रिंग में आते हैं, तो वो हमारे कौन से होते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हाइट, ठीक है, ये बच्चों को कहाँ से मिलेंगे, उनके पेरेंट्स से, है ना। ठीक है, जो या फिर जो उनके ऑफ स्प्रिंग में जो स्किन का कलर है वो उनको कहाँ से मिलेगा, उनके पेरेंट्स से। ठीक है, या फिर कर्ली हेयर, यदि किसी के पेरेंट्स के जो हेयर है वो कैसे होंगे, कर्ली होंगे, तो उनके ऑफ स्प्रिंग में भी ये कैरेक्टर आ सकता है। ठीक है, अगला क्या है हमारा, एक्वायर ट्रेड्स। ठीक है, एटी मतलब एक्वायर ट्रेड्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ट्रेड्स देट आर डेवलप थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब कि जो एक्वायर कैरेक्टर होते हैं वो बच्चों में पेरेंट्स से नहीं आते, वो कैरेक्टर बच्चे अपने लाइफ टाइम में क्या करते हैं, अचीव करते हैं या गेन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वायर ट्रेड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए लर्निंग म्यूजिक, यदि किसी बच्चे ने म्यूजिक सीखा है तो वो जरूरी नहीं है उसके पेरेंट्स से सीखा तो कोई सीखेगा या उसके पेरेंट्स उसके अंदर ये कैरेक्टर आएगा, ये कंपलसरी नहीं है। सेकंड क्या है, डेवलपिंग मसल। यदि किसी की ऑफ स्प्रिंग या किसी की संतान ने, मतलब उसके मसल्स को डेवलप किया, तो जरूर नहीं कि ये कैरेक्टर उसको उसके पेरेंट्स से मिलेगा, वो उसने अपनी लाइफ टाइम में इसको गेन किया। ठीक है, सेकेंड होता है गेनिंग नॉलेज। यदि कोई ऑफ स्प्रिंग होती है वो कुछ नॉलेज को गेन करता है तो वो क्या करता है, अपनी लाइफ टाइम में अपनी स्किल या नॉलेज को गेन करता है। ये कंपलसरी नहीं कि ये सब चीजें उसके पेरेंट्स में है तो बच्चों में आएगी, लेकिन जो इनहेरिटेड में जो कैरेक्टर वो कहाँ से आते हैं, पेरेंट्स से, बच्चों में। और सिंपल लैंग्वेज में जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं वो बच्चे अपने लाइफ टाइम में क्या करते हैं, गेन करते हैं, तो वो कैरेक्टर हमारे क्या कहलाते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब हम इसमें नेक्स्ट में हम देखेंगे कि ऑन व्हाट लॉजिक कैरेक्टर आर ट्रांसफर, मतलब वो कौन सा लॉजिक है जिससे हम बता सकेंगे कि बच्चों के अंदर पेरेंट्स के कौन से कैरेक्टर आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पेरेंट फर्स्ट जो कि मदर है, सेकंड हमारा पेरेंट सेकंड है जो कि क्या है, फादर। ठीक है, जो मदर है उसकी आई का कलर क्या है, ब्राउन। तो हमने ब्राउन आई कलर को कैसे डिनोट किया, कैपिटल
बी से, ठीक है। और जो फादर है उनकी आई का कलर क्या है, ब्लैक, जिसको हमने कैसे डिनोट किया, स्मॉल बी से, ठीक है। तो अब जो एक पेरेंट्स की जो ऑफ स्प्रिंग होगी, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है, मतलब अब यहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग होगी तो वो हम कैसे बता पाएंगे कि जो ऑफ स्प्रिंग या संतान होगी उसकी आई का कलर ब्राउन होगा या ब्लैक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताने के लिए जो इसमें लिखा हुआ कि दिस थ्योरी वॉज क्लियर बाय ग्रिगर मेंडल, तो ये इस लॉजिक को बताने के लिए जो ग्रिगर मेंडल थे उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बताया था कि पेरेंट्स के कौन से कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में आएंगे, ठीक है। तो मेंडल जो होते हैं उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, इनहेरिटेड थ्योरी दी थी, ठीक है। तो ग्रिगर मेंडल वॉज ऑन ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, स्टडी जेनेटिक। तो जो ग्रीगर मेंडल थे वो क्या थे, एक ऑस्ट्रेलियन थे, ठीक है। उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, किस पर स्टडी किया था, जेनेटिक्स पर। और जो ग्रीगर मेंडल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इनहेरिटेंस। तो हमको ये बताना है कि पेरेंट्स के कौन से कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में आएंगे, तो इस पर एक्सपेरिमेंट किसने किया था, मेंडल ने किया था, ठीक है। मेंडल ने इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए पी प्लांट या मटर का पौधा लिया था। तो अब हम आगे इसके बारे में देखते हैं कि उन्होंने पी प्लांट क्यों लिया था और उसको कैसे उन्होंने स्टडी करी थी।